नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में वोटिंग भी होने वाली है। ऐसे में प्रत्याशी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से विकास के दावे और वादे कर रहे हैं। बात करें नगर पालिका परिषद की, तो यहां से अध्यक्ष पद के दावेदार निर्दल प्रत्याशी ओम प्रकाश खरवार ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उनका कहना है कि पूर्व में किए गए समाज सेवा के बल पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता ने अगर मुझे मौका और आशीर्वाद दिया तो एक बेहतर, स्वच्छ और सुंदर नगर पालिका बनाकर दिखाऊंगा। मैं ओम प्रकाश खरवार टैगोर नगर का निवासी हूं। अध्यक्ष पद प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रहा हूं नगर पालिका से। चुनाव जैसे उद्देश्य यही है कि बरसात में हमारे टैगोर नगर, आनंद नगर, श्रीराम विहार कॉलोनी, आवास विकास कॉलोनी और इधर जो है कजपुरा, ये सब जो है एक पानी पड़ती है तो सब डूब जाता है। ना नाली है, ना नाली का सफाई है। यही मेरी मुद्दा है कि मैं चुनाव जीतूँ तो पहला काम यही रहेगा कि मैं जो आनंद नगर, टैगोर नगर, श्रीराम विहार कॉलोनी, ये सब जो है आवासों में नाली साफ सफाई और जो है नाली जी। हम हमारी बिजनेस कैटरिंग, टेंट हाउस, लाइट हाउस, लॉज वगैरह है, तो हमारे यहाँ जो भी आते हैं उनको जो है भरपूर सहयोग करते हैं। और बहुत ऐसी बेटियों की हमने शादी फ्री में कराएं और अपना प्रभा पैलेस बोर्ड के साथ हमने जो है शादी विवाह अन्य उत्सव के लिए बेटियों के लिए फ्री में दिए हैं। कम से कम ये हमारा कार्यक्रम 5 बरस से चल रहा है। किसी से हम अपना पगा पा लेते हैं, अपनी लाइफ को जाया नहीं। जनता तो लाइक करती है, जहाँ जाते हैं हम लोग कहते हैं कि भाई आप समाज सेवी हैं, आप बहुत ऐसा काम किए हैं जो कि कोई नहीं कर पाएगा। इतनी बड़ी लाज पाँच कर आप फ्री में दे रहे हैं, ये तो जिला में कोई चेयरमैन चुनाव लड़ने वाला नहीं दे रहा है। ये तो हम लोग देख रहे हैं, आपकी जो है सेवा बहुत अच्छी है। आपको वोट दिया जाएगा, भारी मतों से आपको विजयी बनाया जाएगा, ऐसा जनता कहती है। यही कहते हैं कि चेयरमैन तो लोग हो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। मैं उनसे कहता हूँ कि आप हमको चेयरमैन बनाकर देखिए, आप जो कहेंगे वो हम काम करेंगे। क्या पूर्व के जो चेयरमैन रहे उन्होंने कोई विकास नहीं किया? नहीं, हमारे इस पार जो है रेलवे क्रॉसिंग इस पार टैगोर नगर, आनंद नगर, श्रीराम विहार कॉलोनी कुछ काम नहीं हुआ। ये सब अभी भी डूब रहे हैं। 1 से 2 पानी बरसता है तो सभी लोग पानी के में डूबने लगते हैं और जो है अपने अपने मकान छोड़कर किराए के मकान या अपने गांव चले जाते हैं। इसका जो है हमको समाधान करना है, ये पहला काम हमारा रहेगा। अपने लिए अपील यही चाहेंगे कि भाई हमको जनता वोट दे और हमको विजयी बनाए और मैं उनकी कहना अनुसार काम करूं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।